नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम केजरीवाल ने LG और केंद्र के आदेश को लागू करने की कही बात। कहा 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत, ये समय कोरोना के साथ लड़ने का है। शर्तों के साथ देश भर में खुलने लगे रेस्टोरेंट। अभी भी रेस्टोरेंट मालिकों ग्राहकों का है इंतजार, रेस्टोरेंट के मालिकों ने कर रखा है पूरा इंतजाम। दिल्ली में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 40 पैसे, डीजल 45 पैसे तक हुआ महंगा। सीएम अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल के फैसले को लागू करने की भी बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बुधवार को केजरीवाल ने उपराज्यपाल के फैसले को लागू करने की बात कही। दरअसल कल SDMA की बैठक में LG ने दिल्ली सरकार का फैसला पलट दिया था, लेकिन अब सीएम केजरीवाल उस फैसले को लागू करने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया कि ये वक्त असहमति जताने का नहीं है, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, नहीं तो कोरोना हमसे जीत जाएगा। सारी सरकारों, संस्थाओं और पार्टियों को एकजुट होना होगा। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के निर्णय को LG साहब या केंद्र सरकार पलट नहीं सकते, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली में खुद इतने सारे केस हो रहे हैं, दिल्ली के लोगों को खुद इतने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, LG साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, LG साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। LG साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसके साथ ही केजरीवाल ने बताया कि कोरोना बम के फूटने से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी और साथ ही ये भी कहा कि 15 जुलाई तक 33,000 बेड और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। चुनौती बहुत बड़ी है। आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1,00,000 केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 30 जून तक 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 22 निजी अस्पतालों को 20% से ज्यादा बेड COVID-19 मरीजों के लिए आरक्षित रखने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही आरक्षित बिस्तरों की संख्या में भी इजाफा होगा। वहीं कोरोना महामारी के चलते एक तरफ जहां पूरा देश अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी लोगों को रुला रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL, IOC ने फिर से रोजाना पेट्रोल डीजल कीमतों की समीक्षा शुरू कर दी है। इसीलिए अब कीमतों में हर रोज बदलाव हो रहा है। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 40 पैसे बढ़कर 73.40 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल की कीमतों में 45 पैसे की तेजी आई है, जबकि 4 दिन में पेट्रोल 2.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.23 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दरें पूरे देश में बढ़ी हैं, हालांकि स्थानीय कर और वैट के चलते हर राज्य में ये कीमतें अलग होंगी। यह लगातार चौथे दिन दरों में बढ़ोतरी है। तेल कंपनियों ने 82 दिनों तक कीमतों की समीक्षा को स्थगित रखने के बाद रविवार को लागत के अनुरूप फेरबदल की शुरुआत की। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में आमदनी प्रभावित होने से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी,
उस वक्त राजधानी में पेट्रोल की कीमत में 1.67 रुपए और डीजल की कीमत में 7.10 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे तेल की कीमत में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे के बाद ही नई दरें लागू होती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम की कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। जैसा कि अनलॉक वन फेज टू के बाद से कई तरह की रियायतें दी गई हैं, इस दौरान रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत तो दी गई है, लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। अनलॉक एक का फेज टू शुरू हो चुका है। फेज टू में कई रियायतें दी गई हैं। वहीं करीब 2.5 महीने बाद रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन कई तरह की पाबंदियों के साथ। राजधानी दिल्ली में भी रेस्टोरेंट खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन सोमवार से शुरू हुए रेस्टोरेंट खुले तो हैं, लेकिन रेस्टोरेंट संचालक ग्राहकों के इंतजार ही करते रह गए। वहीं रेस्टोरेंट मालिकों ने भी कस्टमरों के लिए कई तैयारियां की हैं और डिस्पोजल ग्लास में पानी और वन टाइम यूज प्लेट में खाना खिलाने का बंदोबस्त कर रखा है। हमारे पास जितने भी गेस्ट आते हैं उनको कोई भी चीज हम ऐसा नहीं देते हैं कि जिसको हम रीयूज कर सके। हम ईच एंड एवरीथिंग उनको हम डिस्पोजेबल में देते हैं। आते के साथ उनको हम ग्लास वाटर के लिए भी जो देते हैं वो भी डिस्पोजेबल होता है। उनको हम जो फूड के लिए हम प्लेट्स जो सर्व करते हैं वो भी डिस्पोजेबल है, वन टाइम एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो है उसके लिए। उसके बाद हमारे लड़के जितने भी हैं सारे हैंड्स ग्लव सैनिटाइज करके हर चीज़ को अपना भी सेहत का ख्याल रखते हुए डिस्पोजेबल मास्क पहनते हैं। अगर उन्होंने 4 से 5 घंटा उस मास्क को पहना और किसी को फेस कर कस्टमर को या गेस्ट को फेस किया, उस मास्क को चेंज करके वो दूसरे मास्क को पहन लेते हैं। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन में खुले तो थे और केवल होम डिलीवरी कर रहे थे और पेमेंट का सिस्टम भी ऑनलाइन कर रखा है। यहाँ तक कि मेन्यू भी ऑनलाइन किया हुआ है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। As of now, we are open for deliveries and takeaways, right? We haven't started the dining area yet. Maybe in a week's time, once we are ready to begin, we may open up dining area as well. However, right now we think it's not the right time. We haven't started dining, so we are just continuing with takeaways and delivery. रेस्टोरेंट मालिक सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से तो पालन कर ही रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी पहले से इंतजाम किया हुआ है। रेस्टोरेंट को सैनिटाइज कर रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा हुआ है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात थोड़े ठीक जरूर हो जाएंगे। कोई भी कस्टमर डाइनिंग के लिए अगर आता है तो सबसे पहले उसका हैंड वॉश सैनिटाइजर करते हैं उसको, और उसका थर्मल स्क्रीनिंग करके उसका टेम्परेचर देखते हैं। यदि वो ये चीज़ें 98 से बिलो होते हैं तो हम उनको एंट्री देते हैं, और उसके बाद जितने भी सिटिंग का एरिया है हमारा तो वो सारा का सारा सैनिटाइज होता है। हर 2 घंटे में हम उसको सैनिटाइज करते हैं, और जो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी हम लोगों ने ख्याल रखा हुआ है। देश भर में रेस्टोरेंट तो खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन गिनती के ही लोग अभी रेस्टोरेंट जाना पसंद कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए इस समय कोई भी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उम्मीद है आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट मालिकों के चेहरे पर वापस रौनक लौट आएगी जैसे लॉकडाउन के पहले थी। एशिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल सदर बाजार अब 78 दिन बाद खुल चुका है। ये पूरी रिपोर्ट देखें। एशिया के बड़े बाजारों में शामिल सदर बाजार के 78 दिनों बाद खुलने का रास्ता साफ हो गया है। मध्य दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा सदर बाजार को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकालने के निर्णय के बाद से बुधवार से यहां सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। दिल्ली के 300 से अधिक बाजारों में अकेले सदर बाजार ही बचा था जो अभी तक नहीं खुला था। लॉकडाउन 4 और अनलॉक 1 में भी अभी तक ये बाजार नहीं खुला था क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन में आ गया था, जिसके बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन अब बाजार को खोलने की अनुमति मिलते ही सबसे पहले सैनिटाइजिंग का काम किया गया। 2.5 माह से दुकानें बंद होने से उनके साथ ही दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के रोजी रोटी पर संकट गहरा गया था। वहीं खरीदार भी मायूस थे क्योंकि इस बाजार में घरेलू उपयोग के सामान सस्ते दर पर मिलते थे वह नहीं मिल पा रहे थे।
हालांकि अब अनुमति मिलने से दुकानदार खुश हैं। एक तरफ दिल्ली में लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत से भी लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं चाणक्यपुरी के संजय गांधी कैंप की तस्वीरें, जहां किस तरह से पानी को लेकर आपाधापी मची हुई है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी के साथ साथ दिल्ली के लोग रोजाना बढ़ती भीषण गर्मी से पहले ही जूझ रहे थे और ऐसे में जनकपुरी के संजय गांधी कैंप की तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पानी के लिए जूझ रहे हैं। दरअसल यहां पर पानी की भारी किल्लत है और साथ ही साथ देखने वाली बात ये भी है कि यहां पर लोग बिना मास्क के इन टैंकरों के पास भीड़ लगाए हुए हैं। इससे कोरोना फैलने का खतरा भी है। पानी भरने के लिए ना तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई व्यवस्था की गई है और न ही इन टैंकरों के पास ऐसा कोई नियम बनाया गया है ताकि लोग इस तरह से एक साथ भीड़ न लगाएं। ऐसे में यहां पर जल आपूर्ति के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की आवश्यकता है। और इसी के साथ INS News Plus की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।